पिछली बार हमने देखा था कि डेटा को बेहतर कैसे बनाएं, वही प्रक्रिया हम इस बार भी चालू रखेंगे। डेटा को इंपोर्ट करने के बाद, क्लीन करने के बाद, उसको बेहतर बनाने के लिए चार चीजें करनी जरूरी होती है। रिलेशनशिप्स और प्रॉपर्टीज हमने पिछली बार देखा है, इस बार हम ग्रुपिंग देखेंगे। ग्रुपिंग का मतलब वर्गीकरण। बहुत सारे यूनिक डेटा होंगे तो उनको कुछ वर्गों में डिवाइड करेंगे, उससे क्या होता है समझने में आसानी होगी। ये उदाहरण के तौर हम एज कॉलम ले लेते हैं। उसको ग्रुप करने के लिए ऊपर डेटा ग्रुप मेनू है, कॉलम टूल्स में या राइट क्लिक में भी न्यू ग्रुप मेनू है। दो टाइप का ग्रुपिंग हो सकता है, बिन और लिस्ट। लिस्ट ज्यादा करके टेक्स्ट के लिए काम आता है, बिन नंबर और डेट के लिए अच्छा होता है। तो हमें क्या चाहिए वो मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है और पूछ रहा है कितने टुकड़े या कितने वर्ग बनाओ, जो मैंने 10 वर्ग बनाने बोल दिए। अभी जब हम ओके बोलते हैं तो और एक कॉलम ऐड होगा, उसका नाम होगा एज बिन्स। उसको रिपोर्ट में डाल के देखते हैं। एज बिन्स, ड्रैग ड्रॉप और अमाउंट उसके ऊपर। और हमको सिर्फ डेटा देखना है, चार्ट नहीं, इसलिए मैट्रिक्स जो पिवट टेबल जैसे दिखाता है। ये सॉर्टिंग गलत ऑर्डर पे है, अमाउंट पे है, तो हमको सॉर्ट एज पे करेंगे तो बराबर से एज का वर्गीकरण दिख रहा है। ऐसे होता है ग्रुपिंग। अभी और एक तरीका देखते हैं एज बिन्स बनाने का, इसी ग्रुप को एडिट करके देखते हैं। अभी हमने साइज 10 बना के किया था, अभी हम बोलेंगे नहीं साइज नहीं, कितने वर्ग होने चाहिए वो हम बताएंगे। तो अभी मैं बोल रहा हूँ 5 ही वर्ग बनाओ। अभी उसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है उसको पता है, वर्ग कितने चाहिए हमको वो भी पता है, तो साइज अपने आप संभाल लेगा। ओके बोलने के बाद उसने उस ग्रुप को अलग से बनाया 5 ही ग्रुप में। तो ये और एक तरीका है, बिन साइज दिखा के या नंबर दिखा के। अब देखते हैं टेक्स्ट पे ग्रुपिंग कैसे होता है। टेक्स्ट पे ग्रुपिंग करने के लिए हम सिटी कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। इस उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि हमारा जो ऑफिस है, रीजन का ऑफिस, कुछ सिटियों में है कुछ में नहीं है, तो हमको 2 वर्ग चाहिए सिटी में, जहाँ हमारा ऑफिस है और जहाँ नहीं है। वो कैसा करेंगे, सेम तरीका होता है, राइट क्लिक, नया ग्रुप। इसमें एक ही ऑप्शन आता है क्योंकि नंबर्स तो है नहीं। जो सिटीज में हमारा ऑफिस है उसको हमने सिलेक्ट किया कंट्रोल क्लिक करके और ग्रुप बोल देंगे। वो ग्रुप का नाम अपने आप बनाता है लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो हम बोलेंगे हमारा ऑफिसेस का लोकेशन ये है और बाकी जो सिटी है उनको हमको हाथ से अलग से ग्रुप बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये आता है कि इंक्लूड अदर ग्रुप। इसका मतलब जो चीज़ इसमें लिखी हुई नहीं है वो अपने आप इस ग्रुप में निकल जाएंगे। तो इसका एक रिपोर्ट बना के देखें कि कैसे दिखता है, सिटी ग्रुप और अमाउंट। उसके अंदर सिटी नाम आने से वो मैप निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम मैट्रिक्स बोल के देखेंगे। ये देखिए 2 टाइप के लोकेशन आ गए। इसके अंदर अगर हमको चाहिए तो हायरार्की भी बना सकते हैं, बट वो अलग वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं डेट्स। डेट्स में क्या होता है, डेट्स में बहुत स्पेशल चीज़ होती है। जब भी हम डेट डालते हैं रिपोर्ट में, कोई भी डेट कॉलम, तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रुपिंग बन जाता है। लेकिन समझो हमारे हिसाब से कुछ ग्रुपिंग करना हो तो कैसे करें, तरीका वही है, राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप बोले। इधर भी साइज ऑफ बिन, नंबर ऑफ बिन्स है, फर्क इतना ही है कि इसमें क्या होता है, साइज ऑफ बिन्स अगर हम बोलते हैं कि हमको हफ्ते हफ्ते का वर्ग बनाना है तो क्या बोलेंगे हम, 7 दिन के हिसाब से बनाओ। अगर क्वार्टर बनाना होता था तो 3 महीने के हिसाब से बनाओ। ऐसे करके हम कोई भी यूनिट पे बना सकते हैं। अगर इसका चार्ट हम बनाते हैं तो अभी ये हफ्ते के हिसाब से वर्गीकरण अपने आप हो जाएगा। सो इसे बोलते हैं ग्रुप कैसे बनाएंगे।
बाकी वीडियोस में हम देखेंगे हायरार्की कैसे बनाएंगे। अगले वीडियो में देखेंगे हम रोल्स कैसे बनते हैं।